स्वागत है आपका SBL न्यूज में। आइए लुक करते हैं कुछ खास। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह मुरादाबाद पहुंचे और मीडिया से मुखातिब हुए। मीडिया से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के बल पर 10 की 10 सीटें उपचुनाव में जीतेगी। जैसे ही चुनाव आयोग घोषणा करेगा, भाजपा अपनी प्रक्रिया को पूरा करके प्रत्याशियों के नाम जनता के सामने रखेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चलने वाली सरकार में कानून राज कायम है। वहीं उन्होंने बाढ़ को लेकर भी कहा कि सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। किसी को भी जान माल की हानि ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों में जा रहे हैं और हालातों का जायजा ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधानसभा के अनुसार अपने एक वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को प्रभारी के नाते जिम्मेवारी दी है और स्थानीय संगठन से बातचीत करके संगठनात्मक जो भी काम है, हमें अपनी बूथ समिति का, सभी सेक्टरों का, मंडलों का वेरिफिकेशन करके और पूरी तैयारी के साथ हम लोग विधानसभा उपचुनाव में जाएंगे। और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर 10 की 10 सीटें हम निश्चित रूप से जीतेंगे। सर क्या उम्मीद है? अब ये चुनाव आयोग को तय करना है, कार्यक्रम तो उसका, लेकिन हमारी ओर से संगठनात्मक तैयारी हम लोग कर रहे हैं और जैसे भी चुनाव आचार संहिता लगेगी या चुनाव आयोग तिथियों की घोषणा करेगा, हम लोग अपने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को पूरे करके जनता के बीच में जाएंगे। सर आज दिल्ली में बोर्ड के आदेश पर यूपी के दो विधायकों के खिलाफ वापस जारी है, जिसमें उसे पार्टी के भी एक विधायक शामिल है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कांग्रेस जो है वो हमला कर रही है, कह रही है कि कांग्रेस योगी सरकार जो होगी राजभवन जो है बाहर निकल। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, माननीय मुख्यमंत्री जी की नेतृत्व वाली सरकार में कानून का राज, किसी के साथ कोई भी नरमी नहीं बरती जाएगी। जो दोषी हैं, चाहे वो छोटे व्यक्ति हैं या बड़े व्यक्ति हैं, सबके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई सरकार सुनिश्चित करेगी, ऐसी मेरी अपेक्षा है। सरकार की ओर से जो भी आवश्यक दिशा निर्देश है, सरकार की तैयारी और माननीय मुख्यमंत्री जी की सजगता और सक्रियता के आधार पर आप देख रहे हैं, वो जगह जगह जा रहे हैं और सरकार की ओर से पूरी तैयारी है कि जान माल की हानि ना हो, इसमें किसानों को भी नुकसान होगा। अब जो भी व्यवस्था है उसमें अगर नुकसान हो, इसके अलावा क्योंकि कश्मीर के अंदर कुछ साधन भी हमने चेंज हो गए हैं, ऐसे में एक बार फिर आज अब ये इन लोगों का जिस प्रकार का एजेंडा रहा है, कांग्रेस पार्टी उनके समर्थकों का, ये लोग हमेशा देश के विरोध में काम करने वाले लोगों को, आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित लोगों के साथ खड़े रहे, लेकिन सरकार हमारी संकल्पित है, हम सब लोग मिलकर पूरा देश अपनी सेना के साथ खड़ा है और पूरी ताकत के साथ मिलकर आतंकवाद के सामूल नष्ट करने का जो संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी का, हम सब लोग उसके साथ खड़े हैं। सूर्यप्रताप शाही के नाम को लेकर क्या वाला उनका नाम था, उसको लेकर लखनऊ में जो है कांग्रेस ने पोस्टर, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, इस प्रकार का बयान उनका है।